हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर जी, वो गाड़ी जा रही है सामने और अब वहीं चल रहे हैं सीधा। देख सकते हो आप इतनी जबरदस्त तारबंदी, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी ना दिखे ऐसे देख लो, तारबंदी पाकिस्तान के बॉर्डर पे जैसे लगी रहे ना ऐसी वाली तारबंदी लग रही है। डर लग रहा देख के, करंट ना आ रहा तो हो जाए। ये देखिए हम चल रहे हैं विधानसभा की तरफ, चंडीगढ़ विधानसभा भाई। अरे वाह, देखते ही दिल खुश हो गया। हेलो गाइस, आज आपको इंडियन वेला मुंडा दिखाने जा रहा है अपनी हरियाणा की विधानसभा, और आपको दिखाने जा रहा है हम एक ओपन हैंड है यहाँ पे बनो है चंडीगढ़ में, जो शांति का प्रतीक बतावा है। आप देखें जाके शांति का प्रतीक है जो ली कर विवेकानंद वर्ध बनाया गया है, और आपको लेके चले भाई। कहाँ का नाम है अंग्रेजन का सबको पता भी ना है, आप जाके स्टडी करेंगे पूरी देखेंगे। चलो आज मैं आया हुआ हूँ भाई चंडीगढ़ में, ये है हमारी विधानसभा हरियाणा की, यहाँ बैठते हैं हमारे जितने भी MLA खट्टर साहब भी। ये भाई ये देखो छोटा सा वाटर पार्क, आपको एक सिंबल दिखाता हूँ भाई, हाथ का सिंबल बन रहा है और बहुत टेक्निक है, ज़बरदस्त टेक्निक से बना रखा भाई। हम तो भाई मेवात का लोग हैं भाई, हम तो कहाँ देखे ऐसी चीज़ें। सामने देख रहे हैं आप, ये सामने है सेक्रेटेरिएट हरियाणा पंजाब, और यहाँ सारे मुख्यमंत्री साहब और MLA साहब के यहाँ पे सारे सरकारी दफ्तर हैं, और साथ में यहाँ विधानसभा है। तारबंदी किस तरीके से कर रखी है देखो, बीच में कितनी ज़बरदस्त तार लगा रखी है दोनों साइड। इस सीन को देख के ऐसे लग रहा है जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं। ये देखो तारबंदी, देखो क्या ज़बरदस्त तारबंदी है, देखो बहुत सख्त है, काफ़ी तगड़ी जो लगा रखी है इन्होंने। और अब इससे आगे हम धीरे धीरे चल रहे हैं, अब सीधा हम जाएंगे सेक्रेटेरिएट हाउस चंडीगढ़ में, जो न्यू सेक्रेटेरिएट है। गाइस ये देखो कितनी ज़बरदस्त तारबंदी कर रखी है यहाँ पे, देख सकते हो आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी ना दिखे ऐसे देख लो, तारबंदी पाकिस्तान के बॉर्डर पे जैसे लगी रहे ना ऐसी वाली तारबंदी लग रही है। डर लग रहा देख के, करंट ना आ रहा तो हो जाए। ये देखिए गाइस क्या ज़बरदस्त बॉर्डर बना रखा है, इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, इसको हम हाथ भी लगाएंगे तो अलार्म सा बच जाएगा। और हम सामने पहुंचने वाले हैं, वो सामने देखो सेक्रेटेरिएट हाउस हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर जी, वो गाड़ी जा रही है सामने और अब वहीं चल रहे हैं सीधा। खट्टर साहब से भी मिलेंगे और आपको दिखाएंगे आज सारी विधानसभा, क्या जबरदस्त तारबंदी हो रही है भाई। देखो ऐसी तारबंदी जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखने को मिलती है ना, इस तरह की तारबंदी हो रही है। देखो देखो क्रिकेट खेल रहे हैं सब लोग, दस कितने रन है, 108। ये सामने जो आप देख रहे हैं, सामने पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये हम अंदर की साइड आ चुके हैं भाई। कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, एकदम शांत माहौल। और ये सामने आपको ले चलते हैं हैंड के पास, ओपन हैंड। देखिए क्या ज़बरदस्त फूल है भाई, कितने ज़बरदस्त फूल हो रहे हैं। अरे वाह, देखते ही दिल खुश हो गया। और आपको हम ले चलते हैं एक ओपन हैंड है यहाँ चंडीगढ़ में, साथ में बिल्कुल विधानसभा के पास, तो ली को बुरजिए के द्वारा डिजाइन किया गया है ये जो ओपन हैंड है। और आपको ये दिखाते हैं इस ओपन हैंड का महत्व, इस क्यों डिजाइन किया है, किस तरीके से जो कलाकारी करेगी है। ये एक शांति का प्रतीक भी बोला जाता है इसको, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि एक खुला हाथ। और आपको आज दिखाते हैं हम ओपन हैंड, तो गाइज आज आपको दिखाएंगा ओपन हैंड दिखाएंगा चंडीगढ़ को। और हमने ये तो देख ही लियो हाई कोर्ट और कहा नाम है आपको विधानसभा तो देख ही लिया, अब चल रहा है ओपन हैंड देखा लो भाई। यहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा है, पुलिस ज़्यादा खड़ी है, फोर्स ज़्यादा खड़ी है, तो जैसे कैसे बहाना बना के चलेंगा मिलेंगा उनसे, आपको तो दिखानी है हमने। चलते हैं गाइस भाई, लेंगा फोर्स भी परमिशन लेंगा भाई, जाके वीडियो ने बनाएंगा भाई। चलो भाई आगे देखें, पुलिस वाला खड़ा है। ये सामने विधानसभा आपने देख लिए, और ये उसका एंट्री गेट है सामने से, ये सामने जा रहा रास्ता वहीं ओपन हैंड में जहाँ पे हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा का। हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे ओपन हैंड बनाया गया हो भाई, ओपन हैंड भी देखें आज कहाँ चीज़ है ओपन हैंड, चल के देखें चंडीगढ़ को ओपन हैंड खुलो हाथ। सामने हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ सेक्टर 1 विधानसभा के पास, ये ओपन हैंड खुला हाथ है जो मार्क लू कोर्बुजिए के द्वारा 1964 में डिजाइन किया गया है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है एक खुला हाथ देने के लिए और लेने के लिए शांति समृद्धि और मानवता की एकता को। ली कोर्बुजिए के कई ओपन हैंड स्मारकों में सबसे बड़ा स्मारक है ये। ये सामने जो ओपन हैंड दिख रहा है इसकी ऊंचाई 85 फीट है, ये देखो सामने इतना बड़ा ओपन हैंड है। ये हवा में चक्कर लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये देखिए गाइस चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल और एकदम से बिल्कुल शांति सी, कितना प्यारा पार्क है भाई।
और वो सामने अपनी विधानसभा, ये सामने अपना हाई कोर्ट इधर, और ये बीच में ये बनाया ओपन हैंड सिंबल। देखिए क्या शांत माहौल है, बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी है भाई यहाँ पे। और हम आए हैं आज, देखिए पेड़ देखे भाई, पेड़ किस तरीके से पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ शिमला में ज़्यादातर देखे हैं मैंने, जहाँ बर्फ़ पड़ती है भाई। ये देखिए हम चल रहे हैं वापस विधानसभा की तरफ, चंडीगढ़ विधानसभा भाई। तो गाइस हमने आपको दिखाया था ओपन हैंड, और अपनी हरियाणा की विधानसभा दिखाई, और आपको हमने हाई कोर्ट दिखाया। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने घर की तरफ। आप देखते रहिए इंडियन वेला मुंडा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय, गुड नाइट।